आज हम आज पहुँचे हैं वार्ड नंबर 18 के महाराजा कृष्ण धर्मशाला में, जहां वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण सिंगला द्वारा जी द्वारा कोविड के समय वैक्सीन का कैंप लगवाया जा रहा है। हम पूछेंगे उनसे और जानेंगे उन्होंने कितने बंदों ने आज अभी तक इंजेक्शन लगवाया है और कितना नए रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम जानेंगे अब वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण सिंगला जी से, उन्होंने जो कैंप लगवाया है कितने व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और कितनों ने अभी तक इंजेक्शन लगवाया है। मैंने कैंप के लिए अप्लाई किया था, जो आज 18 प्लस है उस 20 डोज है, 100 डोज 45 प्लस की है, 200 कल 41 को 45 प्लस वाली की वैक्सीन। प्रवीण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो अभी तक 18 प्लस आपने कहा है कि जो डोज लगनी है, सो कितने व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और कितने को अभी तक डोज लगा है? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हम 100 ही कर लिखी है, बाकी थोड़ों को नाम मैंने अलग लिख रखा है अन्य में, हम उनके नाम कम से कम 150-200 अन्य नाम भी आ रहे हैं। अब हमारा कैंप 8 तारीख को लगेगा, अभी से उनका भी देखा जा रहा है, बहुत से युवाओं के मन में भय बना रहता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा घट सकता है, तो आपने इंजेक्शन लगवाया है तो आपको इस चीज़ का कोई भय नहीं था? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि जहाँ पर पूरा देश लगवा रहा है, अगर हम
सदस्यों की बात करें तो वहाँ पे भी प्रॉपर वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई समस्या खड़ी होने वाली है। और अगर कोई व्यक्ति गया तो कोरोना वायरस से अच्छी इतनी बुरी नहीं होगी, कोरोना वायरस से बचाव ही होगा इस वजह। तो आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप भी आए इंजेक्शन लगवाने के बारे में? बस मैं ये कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें ताकि आपको कोरोना वायरस से बचा सकें। ठीक है, धन्यवाद।